समूचा अराजकता का हालात हो गया है। हम लोग एयरपोर्ट के भीतर घुस नहीं पाए और अभी तक हमारा सब विचार चला गया। ये अराजकता नहीं तो क्या है? यही लोकतंत्र है। समूचा देश को बर्बाद कर दिया। आप देख रहे हैं NBC 24 और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट की जितनी भी सेवा थी वो स्थगित कर दी गई थी, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जिस वक्त अमित शाह पटना लैंड करने वाले थे उस वक्त तक सभी विमानों की सेवा रोक दी गई थी, एयरपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए थे। तमाम बीजेपी के नेताओं से और सभी अमित शाह के स्वागत में खड़े थे, जिसकी वजह से आम जनता को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। लोगों की फ्लाइट्स छूट गई, उनका सामान बाहर रख दिया गया था, जिसकी वजह से सभी के सामान एक जगह रखने की वजह से सामान मिलने में काफी दिक्कतें आईं और जब तक सामान मिला तब तक उनकी फ्लाइट्स छूट चुकी थी। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद थे, जिनसे एक बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा बताई और आपको दिखाते हैं वीडियो में कि क्या कुछ कह रहे हैं बुजुर्ग। बताइएगा, समूचा अराजकता का हालात हो गया है। हम लोग एयरपोर्ट के भीतर घुस नहीं पाए, अभी तक हमारा सब विचार चला गया। ये अराजकता नहीं तो क्या है? यही लोकतंत्र है। समूचा देश को बर्बाद कर दिया। विकास की बात करते विकास हैं, कुछ नहीं हुआ, इसने विकास कुछ नहीं किया। जनता लोग को परेशानी, नीतीश बाबू ने विकास किया, इसने क्या किया? लेकिन नीतीश कुमार तो NDA के साथ है, बीजेपी के साथ हैं। तमाशा देखिए क्या होता है। आपको क्या परेशानी हुई है? परेशानी समूचा सामान हमारा बाहर रह गया, एयरपोर्ट पर जाना था हमको बाहर, समूचा गाड़ी छूट एयरपोर्ट छूट गई, हमारी फ्लाइट भी छूट गई, सब पैसा कौन देगा? ऐसे आप ही के साथ हुआ और भी लोगों के साथ? बहुत लोगों के साथ है, सब लोग गाली दे रहा है। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, सरकार है कि अराजकता है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने ये कैसा राज्य सेवा है, जहां जनता ऐसी मुश्किलों का सामना करते नजर आ रही है। और ये सज्जन बता रहे हैं कि ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं बल्कि और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हालांकि हमारे सहयोगी उन लोगों से बात करने में असमर्थ रहे, पर इन्होंने बताया कि किस तरह से लोग छटपटाते नजर आए। अगर इस तरीके की सेवा रहेगी तो कैसे आम जनता अपने नेताओं पर भरोसा कर सकेगी? अपनी सुविधाओं के लिए हमेशा आम जनता ही क्यों हत्या चढ़ती है? ये कैसी लोकतंत्र है जहां आम जनता की परेशानियां सरकार को नजर ही नहीं आती हैं? कल भी इसी तरीके के भीषण जाम में लोग घंटों फंसे हुए थे, जब JP नड्डा का रोड शो चल रहा था। क्या इसी तरीके की सरकार सेवा सही है? ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। नमस्कार।